ये है जिमी। इसको अपनी बॉडी बनानी है, बहुत सारा पैसा कमाना है और गिटार बजाना भी सीखना है। ये बहुत सारे वीडियोस देखता है यूट्यूब पे और फाइनली मोटिवेटेड होता है एक्शन लेने के लिए। वो बोलता है कि कल वो जिम जाएगा, कल ही वो अपना बिजनेस प्लान लिखेगा और कल से वो हर रोज एक घंटे गिटार की प्रैक्टिस करेगा। पहला दिन तो उसका बहुत सही जाता है, वो जिम भी जाता है, वो अपना बिजनेस प्लान लिखता है और वो गिटार भी प्रैक्टिस करता है। उसको बहुत अच्छा लगता है और उसको लगता है कि अब वो फाइनली अपने सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है। एक हफ्ते बाद वो अब भी अपनी हैबिट्स पे काम तो कर रहा होता है, लेकिन अब उसका पेशेंस थोड़ा कम होने लगा है। उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत अभी करनी बाकी है और उसको ये रियलाइजेशन अच्छा नहीं लगता है। वो अभी भी होपफुल है, लेकिन छोटे छोटे डाउट्स आने लगे। एक महीने बाद पता चलता है कि जिमी ने अपनी सारी आदतें छोड़ दी हैं। वो फिर से जंक फूड खाने लगा है, अपना काम भी ढंग से नहीं करता है और उसका गिटार किसी कोने में पड़ा हुआ है। वो बहुत बुरा फील करता है क्योंकि ये पहली बार नहीं जो उसके साथ हुआ है। वो यही साइकिल अपनी लाइफ में काफ़ी बार रिपीट कर चुका है और हर बार वो अपने आप से यही पूछता है कि क्या फिर से करना वर्थ इट है या नहीं, क्या उसके लिए पॉसिबल भी है अपनी लाइफ में वो चीज़ें अचीव करना जो वो अचीव करना चाहता है। अब मैंने थोड़ा सा झूठ बोला है आपसे, ये जिमी की कहानी नहीं है, ये मेरी कहानी है, ये आपकी कहानी है और ये हज़ारों लोगों की कहानी है दुनिया भर में जो अपने आप को बदलना चाहते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आते कि शुरू कहाँ से करें। तो इस प्रॉब्लम की सलूशन को हमको दिया है बीजे फॉक ने अपनी बुक में टाइनी हैबिट्स, और इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आएगा कि आप एग्जैक्टली टाइनी हैबिट्स का फॉर्मूला कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपनी बैड हैबिट्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं और अपना मोटिवेशन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना फील करें और अपनी ड्रीम लाइफ को एक्चुअली बना पाएं। टाइनी हैबिट्स बेसिकली बहुत छोटी आदतें होती हैं जिनकी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो फास्ट होती हैं, इजी टू स्टार्ट, सेफ, ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब कि वो कहीं ना कहीं आपको बदलती हैं, उनका पोटेंशियल होता है बड़ा होने का, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो मोटिवेशन या विल पावर को नहीं यूज करती हैं। अभी मैं थोड़ी देर में ही आपको एक टाइनी हैबिट का एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन पहले देखते हैं ABCs ऑफ टाइनी हैबिट्स जिनको बीजे फॉग ने हमें बुक में बताया है। तो ए का मतलब है द एंकर मोमेंट। ये एक ऐसा मोमेंट होता है जो आपको रिमाइंड करता है कि आपको अपना नया बिहेवियर करना है। दूसरा होता है आपका टाइनी बिहेवियर। आप जो भी नई हैबिट बनाना चाहते हैं उसका सबसे छोटा और सिंपल वर्जन आपकी यही टाइनी हैबिट होती है। और सी है इंस्टेंट सेलिब्रेशन। ये कोई ऐसी चीज होती है जिससे आप पॉजिटिव इमोशन फील करें जब आप अपना टाइनी बिहेवियर अचीव कर लें। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप और हेल्दी बनना चाहते हैं तो आप यहीं पे ABC फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप हर रोज डिनर रात के 9 बजे खाते हैं तो 9 बजे का टाइम आपके लिए डिनर खाने का प्रॉम्प्ट है। अब आपको सोचना होगा कि क्या ऐसा टाइनी बिहेवियर हो सकता है जिससे आप और हेल्दी खा सकें, और याद रखिए कि उसमें ये 6 क्वालिटीज जरूर होनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो आप यहाँ पे कर सकते हैं वो ये है कि आप एक कोई बहुत ह्यूज चेंज लाने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल अगर आप बोलें कि मैं एक बहुत बड़ा सा सैलड बना के हर रोज डिनर के पहले खाऊंगा, अब आप कोई बड़ा अच्छा सैलड बनाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है उसमें आपको 10-15 मिनट लगे, और ये 10-15 मिनट की वजह से ही आप कुछ दिनों के बाद वो करना भूल देंगे क्योंकि अभी आपकी आदत नहीं है हेल्दी खाना। तो आपको कुछ बहुत छोटी चीज़ शुरू करनी होगी। फॉर एग्जांपल सैलड खाने की जगह आप ये कह सकते हैं कि आप बस एक क्यूकम्बर डिनर के पहले खाएंगे, आपको उसको काटने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस उसको धुलना है और खाना है। अब अगर आप उसको इस तरीके से डायरेक्टली खाएंगे तो आपके लिए ये बिहेवियर बहुत आसान होगा और चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप उसको कर लेंगे। और फिर अपनी टाइनी हैबिट करने के बाद आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, और ये कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आप अपना फेवरेट मोटिवेशनल गाना सुन लें, या आप बस ऊपर नीचे कूद के बोले देखो मैंने कर लिया, कोई भी चीज़ हो जिससे आपको पॉजिटिव इमोशंस मिले। अब आते हैं वापस आपके ऊपर। आपने काफ़ी बार ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप ये सब सुन तो लेते हैं लेकिन तब भी आप उन बिहेवियर्स को लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर पाते। तो यहाँ पे बीजे फॉग का बिहेवियर मॉडल हमें एक्सप्लेन करता है कि क्यों हम अपनी आदतों को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं। उनके मॉडल के हिसाब से बिहेवियर इक्वल्स मोटिवेशन एबिलिटी एंड प्रॉम्प्ट मैप। तो इसका मतलब है कि आपका बिहेवियर तभी सॉलिडिफाई होगा अगर आपका मोटिवेशन हो एक्शन लेने के लिए, आपके पास एबिलिटी हो एक्शन लेने के लिए, और फिर आपको एक प्रॉम्प्ट मिले अपना काम शुरू करने के लिए। तो आपको कोई भी बिहेवियर चेंज लाने के लिए ये तीनों चीज़ें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बीजे फॉग हमें इस मैप मॉडल से 4 कंक्लूजन्स बताते हैं
जो हम सब लोगों की प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हैं। पहली चीज है, और ये बहुत ऑब्वियस है, कि कोई इंसान जितना मोटिवेटेड होगा कोई काम करने के लिए, उतना चांसेस ज्यादा हैं कि वो एक्चुअली वो काम कर लेगा। इसीलिए अगर आपको किसी नए हैबिट में सक्सीड करना है, तो आपको कुछ ऐसा चूज करना चाहिए जिसके लिए आपके पास मोटिवेशन हो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, तो आपको कोई ऐसी लैंग्वेज पकड़नी चाहिए जिसको आप एक्चुअली सीखना चाहते हो और आपका मोटिवेशन बना रहे उसको सीखने के लिए। जब लोगों का मोटिवेशन कम होता है, तो वो यूजुअली सबसे आसान काम ही कर पाएंगे। इससे हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अगर कोई बिहेवियर बहुत मुश्किल होता है करने के लिए, तो चांसेस कम है कि आप उसको नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमें समझना होता है अपनी एबिलिटीज को किसी गोल को सेट करने से पहले। अगर आपको जो बिहेवियर मास्टर करना है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो आपके लिए बहुत जल्दी मुश्किल हो जाएगा और आप गिव अप कर देंगे। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप कोई मुश्किल काम नहीं कर सकते, इसका मतलब यह है कि उसके लिए आपके पास बहुत ज्यादा मोटिवेशन होने की जरूरत है। इसीलिए जब आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं है काम करने का, तो आपको छोटी चीजों से शुरू करना चाहिए। उसको इतने छोटे पीसेस में बांट दीजिए कि वो आपके लिए बहुत आसान हो जाए। तीसरा पॉइंट है, मोटिवेशन एंड एबिलिटी आर इन्वर्सली रिलेटेड। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जब आपको कोई भी काम करना होता है, तो आपको मोटिवेशन और एबिलिटी दोनों चाहिए होती हैं, और इन दोनों का एक उल्टा रिलेशनशिप है। मतलब कि जब एक वीक होता है, तो दूसरे को स्ट्रांग होना पड़ेगा वो काम आपको करने के लिए। तो अगर आपका मोटिवेशन कोई काम करने का बहुत ज्यादा है, तो आपको उतनी ज्यादा एबिलिटी की जरूरत नहीं है, और अगर आपकी एबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो आपको ज्यादा मोटिवेशन के लिए जरूरत नहीं है। और फोर्थ पॉइंट है, बिहेवियर बिना प्रॉम्प्ट के नहीं हो पाएगा। आप तभी एक्शन ले पाएंगे जब आपको याद है कि आपको एक्शन लेना है। आप फोन को आंसर नहीं कर सकते अगर आपकी घंटी नहीं बजेगी। तो इसीलिए एक प्रॉम्प्ट ट्रिगर होता है जिसकी वजह से आप कुछ कर पाते हैं। तो इसी हिसाब से अगर आपको कोई बिहेवियर कम करना है, तो आपको अपना प्रॉम्प्ट हटाना होगा, और अगर आपको कोई नया बिहेवियर लाना है, तो आपको कोई अच्छा फ्रीक्वेंट और ऑटोमेटिक प्रॉम्प्ट ढूंढना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अनहेल्दी खाना कम करना है, तो आपको उनको अपने किचन से हटाना होगा। अगर आप वो प्रॉम्प्ट हटा देंगे, तो आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे कुछ अच्छा खाने के। तो अब आते हैं कि आप मैप मॉडल को कैसे यूज कर सकते हैं कोई बुरी आदत रोकने के लिए। मान लीजिए कि आपकी एक बुरी आदत है कि आप सुबह उठते ही अपना फोन स्क्रॉल करने लगते हैं, तो इस बिहेवियर को तोड़ने के लिए आपको पहले मैप वेरिएबल समझने होंगे। तो फॉर एग्जांपल, आपका मोटिवेशन होता है कि जब भी आप अपना फोन स्क्रॉल करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ बढ़िया या अच्छा देखने को मिलता है, तो इसीलिए आप मोटिवेटेड होते हैं ये काम करने के लिए। आपके पास एबिलिटी होती है ये करने के लिए, क्योंकि आपका फोन आपके बगल में ही रखा होता है, और प्रॉम्प्ट होता है बस सुबह में उठना। अब इस बिहेवियर को चेंज करने के लिए मोटिवेशन को चेंज करना मुश्किल है, क्योंकि आजकल के सोशल मीडिया ऐप्स बनाए ऐसे जाते हैं कि वो आपको मोटिवेटेड रखे उनको और यूज करने के लिए। तो यहाँ पे आप एबिलिटी को चेंज कर सकते हैं। आप अपने सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर सकते हैं, या हो सकता है आप अपना फोन अपने पास में रख के सोए ना। आप एक ओल्ड फैशन अलार्म क्लॉक रखें और अपना फोन दूसरे रूम में छोड़ दें, तो जब आप सुबह में उठेंगे, आपका मोटिवेशन भी रहेगा, आपका प्रॉम्प्ट भी रहेगा, लेकिन सिंस आपने अपनी एबिलिटी हटा दी अपने फोन को यूज करने की, तो आपका वो बिहेवियर कम हो जाएगा। तो मेन आइडिया यही है कि आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा इन तीनों वेरिएबल्स को चेंज करके। अगर आप मोटिवेशन नहीं चेंज कर सकते, जो बहुत मुश्किल होता है यूजुअली चेंज करना, तो आप अपनी प्रॉम्प्ट या एबिलिटी को चेंज कर सकते हैं अपना बिहेवियर कम करने के लिए। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, जो आपको इस वीडियो से समझना होगा, कि मोटिवेशन एक ट्रैप होता है। हम सब लोगों के दिमाग में बहुत सारी बुक्स और सोशल मीडिया देख के गलत आइडिया आ गया है कि मोटिवेशन हो जाएगा तो आप कुछ भी कर लेंगे, लेकिन बीजे फॉग हमें इस बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि आपका मोटिवेशन क्यों रिलायबल नहीं है, और असली में आपका बिहेवियर चेंज मोटिवेशन से नहीं आता है। अगर आप हमेशा मोटिवेशन के लिए वेट करते रहेंगे अपना बिहेवियर चेंज करने के लिए, तो आप कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे। तो मोटिवेशन समझने के लिए बीजे फॉग हमें कॉन्सेप्ट बताते हैं पर्सन, एक्शन और कॉन्टेक्स्ट का। मोटिवेशन एक इंसान के अंदर से आ सकता है, वो कहीं पनिशमेंट या रिवॉर्ड से भी आ सकता है, और वो आपके कॉन्टेक्स्ट या एनवायरनमेंट से भी आ सकता है। और ये भी पॉसिबल है कि एक से ज्यादा सोर्स से आपका मोटिवेशन आए। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने सोसाइटी में फिट भी होना चाहते हैं, और आपको डर भी होता है पनिशमेंट का कि अगर लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, तो ये दोनों चीजें मोटिवेट करेंगी आपको अपना बिहेवियर चेंज करने के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके कंपीटिंग मोटिवेशंस हो, जिसकी वजह से आपके दिमाग में टग ऑफ वॉर चले। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपका मोटिवेशन हो एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि आपको और फिट बनना है,
और आपको फिट रहने का रिवॉर्ड चाहिए, लेकिन आपको घर पे बैठ के आराम रहने का भी रिवॉर्ड चाहिए। तो ये एग्जांपल है कन्फ्लिक्टिंग मोटिवेशंस का, जिसकी वजह से आपका बिहेवियर मुश्किल हो जाए। बीजे फॉग हमें बताते हैं कि ज्यादातर टाइम हम लोगों को पता भी नहीं होता है कि हमारे मोटिवेशंस क्या होते हैं, जिसकी वजह से हम कभी कोई बिहेवियर चेंज नहीं कर पाते या उसको लॉन्ग टर्म तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं। फॉग हमें बताते हैं, चेंजिंग इनविजिबल कंपीटिंग एंड कंफ्लिक्टिंग मोटिवेशंस मेक दिस एलिमेंट ऑफ बिहेवियर हार्ड टू पिन डाउन एंड कंट्रोल। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें मोटिवेशन के बारे में याद रखनी चाहिए। पहला है कि आप बहुत हाई मोटिवेशन मेंटेन नहीं कर सकते और वो बहुत रैंडमली आएगा। एक टाइम का मोटिवेशन कभी भी किसी को भी आ जाता है, लेकिन उसी मोटिवेशन वेव में आगे आप काफी बार कुछ ऐसी चीजों को कमिट कर सकते हैं जिनको आप सस्टेन लॉन्ग टर्म में नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपको अच्छा खाना खाने का बहुत मोटिवेशन आए और आप एक जूसर खरीद लें और फिर आप उस जूसर को एक ही बार साल में यूज करें और भूल जाएं। ये इसलिए होता है क्योंकि हम मोटिवेशन पे एक्ट कर रहे हैं और लॉजिक पे नहीं। दूसरा पॉइंट है कि मोटिवेशन दिन भर में फ्लक्चुएट होता है। काफी स्टडीज करी गई जो बताती हैं कि आपकी विल पावर सुबह से लेकर शाम तक कम होती जाती है। जितने मुश्किल डिसीजंस होते हैं वो शाम में लेना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तीसरा पॉइंट है कि अगर आपका आइडिया या गोल क्लियर ना हो तो उसके लिए मोटिवेशन लाना भी मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बस बोलते हैं कि मुझे हेल्दी होना है और आपके पास कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं कि वहां पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपके लिए मोटिवेशन लाना बहुत मुश्किल होगा। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मोटिवेशन लॉन्ग टर्म चेंज के लिए रिलायबल नहीं है। हम सब लोग काफ़ी बार ये गलती करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि बस सही मोटिवेशन आ जाए तो हम लोग फाइनली अपना वो गोल अचीव कर लेंगे जिसके बारे में हम लोग सोचते रहते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 99% टाइम ये गलत होता है। और फिर जब आप फेल करते हैं तो आपका सेल्फ एस्टीम भी गिरता है। आपको इसीलिए बिहेवियर के बाकी दोनों वेरिएबल्स पे फोकस करना होगा, जो है एबिलिटी एंड प्रॉम्प्ट, तभी आपका सक्सेस गारंटीड हो पाएगा। तो अब सवाल ये आता है कि आप इस मोटिवेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इसका सलूशन ये है कि आपको अपने बिहेवियर को प्रैक्टिकल स्टेप्स में बनाना होगा। टाइनी हैबिट्स और छोटे छोटे गोल्स रखने होंगे एज कम्पेयर टू बहुत बड़े अनक्लियर गोल जो आपको भी नहीं पता है उनका मतलब क्या है। काफी लोग गोल्स नहीं रखते हैं, वो एस्पिरेशंस रखते हैं। एस्पिरेशन का एग्जांपल होगा कि मुझे और हेल्दी होना है या मुझे और अच्छे मार्क्स लाने। इसकी जगह आपको डेफिनेट गोल्स पे फोकस करना चाहिए। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका जो भी गोल है उसके लिए आपको बिहेवियर्स निकालने होंगे जो आपको वो गोल अचीव करने में हेल्प करेंगे, और फिर उन बिहेवियर्स को और छोटी टाइनी हैबिट्स में डालना होगा जिनको आप इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपका गोल है अगर 1,00,000 रुपए अपने बिजनेस से कमाना, तो ये एस्पिरेशनल गोल है। इससे आपको कोई मोटिवेशन नहीं आएगा कि आपको काम क्या करना है, आपको उसको बिहेवियर में ब्रेक डाउन करना होगा। तो सोचिए ऐसा क्या बिहेवियर है जिससे आपकी 1,00,000 पर मंथ की इनकम हो जाए। मोस्ट लाइकली आपको किसी स्किल पे काम करना होगा, तो वो स्किल को आपको छोटे टाइनी हैबिट्स में ब्रेक डाउन करना होगा कि आप हर दिन 10 मिनट किसी स्किल पे काम करेंगे और फिर उस टाइनी हैबिट को आप धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में बढ़ा सकते हैं और फाइनली आप अपना बिहेवियर अचीव कर पाएंगे। तो आपको इसीलिए हमेशा ध्यान रखना होगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये बात जरूर समझें कि आपको कोई भी अपनी लाइफ में बड़ा चेंज लाना है तो आपको उनको टाइनी हैबिट से ही शुरू करना होगा। जितनी छोटी आदतों से आप शुरू करेंगे उतना आप लॉन्ग टर्म में उनको कर पाएंगे और धीरे धीरे आगे जाके सक्सेस आपके लिए ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मैं फ्यूचर में एक और वीडियो बनाऊंगा, इसमें आपको एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा कि आप अपनी टाइनी हैबिट्स कैसे डिजाइन कर सकते हैं एबिलिटी और प्रॉम्प्ट्स को यूज करके। तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको मेरा वीडियो एटॉमिक हैबिट्स में भी जरूर देखना चाहिए, जो सिमिलर आइडियाज के बारे में बात करता है। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।